स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा एडवांटेज ऑफ ट्रेड फेयर एंड डिसएडवांटेज ऑफ ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन। बिल्कुल सिंपल सा है, इजी सा है। देखिए, ट्रेड फेयर की क्या क्या एडवांटेज होती है। एक तो डिस्प्ले ऑफ गुड्स ही, तो आपको पता ही है कि ट्रेड फेयर में अलग अलग प्रोडक्ट लगे होते हैं जिससे कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो हमें अलग अलग गुड्स के बारे में नॉलेज हो जाती है। गुड्स का डिस्प्ले आसानी से हो सकता है क्योंकि अलग अलग स्टॉल बनी होती है। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज है। देन वाइड कॉन्टैक्ट। देखिए, ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि इससे वाइड कॉन्टैक्ट बनता है। कैसे बनता है? क्योंकि ट्रेड फेयर में आपके एजेंट भी आते हैं, कंज्यूमर भी आते हैं, डीलर भी आते हैं, स्टॉकिस्ट भी आते हैं। ठीक है, तो हर तरह के लोग आते हैं, तो उनका आपस में कॉन्टैक्ट बनता है। ठीक है, तो ये इट मीन्स ये इसकी एडवांटेज हो गई। देन थर्ड पॉइंट, नॉलेज अबाउट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। देखिए, ट्रेड फेयर में हर तरह का बंदा आता है, हर तरह के बंदे अपने प्रोडक्ट लेकर आते हैं और अलग अलग टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट लेकर आते हैं, तो हर किसी को अलग अलग टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो जाती है, कंज्यूमर को भी नॉलेज हो जाती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। देन बेनिफिट ऑफ टेस्ट मार्केटिंग, इससे हमें टेस्ट मार्केटिंग का भी बेनिफिट मिल जाता है। देखिए, टेस्ट मार्केटिंग का बेनिफिट कैसे मिलता है कि टेस्ट मार्केटिंग, मैंने आपको बताया टेस्ट मार्केटिंग क्या होती है कि प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उसकी टेस्ट की जाती है कि भी प्रोडक्ट कंज्यूमर को पसंद आएगा या नहीं आएगा। जबकि ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन में भी कंज्यूमर प्रोडक्ट को देखता है, तो वहाँ पर आपको कंज्यूमर की रिस्पॉन्स का पता चल जाएगा, कंज्यूमर क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, प्रोडक्ट को पसंद कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, देन नॉलेज अबाउट कॉम्पिटिटिव यूनिट, आपको अपनी कॉम्पिटिटिव, जो आपके कॉम्पिटिटिव यूनिट होगी उनकी भी नॉलेज हो जाएगी कि कौन सा ऐसा कंपिटिटर है जो हमारे जैसा प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, हमारे जैसे प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आने वाला है। ठीक है, बेनिफिट टू स्मॉल मैन्युफैक्चरर। देखिए, स्मॉल मैन्युफैक्चरर के लिए बड़ा बेनिफिट है ट्रेड फेयर वगैरह का, क्योंकि जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर होते हैं ना, वो क्या होता है, उनके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता कि वो अपने प्रोडक्ट को फ़ौरन में ले जा सके। ठीक है, तो इसलिए इनसे इनको हेल्प मिल जाती है ट्रेड फेयर वगैरह से। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इंसेंटिव। गवर्नमेंट इंसेंटिव भी के बेनिफिट भी मिलते हैं। गवर्नमेंट में क्या है, अगर जो ट्रेड फेयर वगैरह में जाते हैं उनको कंसेशन प्रोवाइड करती है, एक्सपोर्ट कंसेशन प्रोवाइड करती है, वैसे डिस्काउंट फैसिलिटी देती है। ठीक है, तो ये भी एक इसकी एडवांटेज है। देन नेक्स्ट देखिए डिसएडवांटेज ऑफ ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन। अब देखिए, जिस चीज़ की एडवांटेज होगी उसके साथ साथ डिसएडवांटेज तो होगी। डिसएडवांटेज क्या है आपकी ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन की, एक तो कॉस्टली प्रोसेस है, ये तो आपको पता ही है, स्टॉल लगाना पड़ता है, बूथ लगाने पड़ते हैं। ठीक है, वहाँ जाना पड़ता है, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन वगैरह लगता है, तो ये कॉस्टली प्रोसेस तो है ही, इरेगुलर है ये प्रोसेस, रेगुलर नहीं है। जो आपका ट्रेड फेयर वगैरह कितने टाइम के लगता है, 2 दिन 3 दिन 10 15 दिन, ठीक है, तो रेगुलर नहीं लगता, कॉम्प्लेक्स भी है, अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, कंज्यूमर को कई बार हम सेटिस्फाइड भी नहीं कर पाते। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉपिंग द प्रोडक्ट, जिन प्रोडक्ट के पेटेंट नहीं होते उन प्रोडक्ट को कॉपी करने का भी डर रहता है। ठीक है, तो ये भी इसकी डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पर आपका ट्रेड फेयर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, देखिए, ये डिटेल से पूछ सकते हैं ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन का। इस तरह आपका एक डायरेक्ट मेल अलग से दिया हुआ है, डायरेक्ट मेल को भी हमें डिटेल से स्टडी करना होगा। डायरेक्ट मेल, मैंने बताया था कि डायरेक्ट मेल में क्या होता है कि कंज्यूमर को पर्सनली इन्फॉर्म किया जाता है। ठीक है, चाहे वो हम रिटर्न में इन्फॉर्म करते, चाहे लेटर के थ्रू करें, चाहे फैक्स के थ्रू करें, चाहे मैसेज के थ्रू करें, तो पर्सनली इन्फॉर्म किया जाता है प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की सारी डिटेल दी जाती है। ठीक है, और मेन एक रिटर्न में दी जाती है, तो वो आपका क्या होता है, डायरेक्ट मेल। जैसे इन्होंने इसमें ले लिया पैम्पलेट्स आप लोगों ने देखे होंगे कि पैम्पलेट्स कैसे होते हैं, जिसमें आगे पीछे प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल होती है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, वो चेकआउट कर सकता है कि ये प्रोडक्ट है आपका। ठीक है, सर्कुलर, देखिए सर्कुलर क्या होते हैं, जिसमें एक साइड इन्फॉर्मेशन होती है, कंज्यूमर को एक तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, वन साइडेड बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कंज्यूमर को हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की, हमने अपना प्लेस, जो अपनी जगह है वो चेंज कर ली। ठीक है, या प्रोडक्ट में कोई चेंज कर लिया। ठीक है, तो वो क्या होते हैं आपके सर्कुलर्स। एक होते हैं कैटलॉग्स, इसको हम मूल्य सूची पत्र भी कह सकते हैं। देखिए, कैटलॉग्स वगैरह क्या होता है, कैटलॉग भी वही हो गया कि प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल देना। जैसे होता है ना, कहते हैं कई बार कैटलॉग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो जो जैसे पर्चे टाइप में होते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम। देन होते हैं बुकलेट एंड ब्राउचर। देखिए, बुकलेट और ब्राउचर एक मैगजीन टाइप में होते हैं, बुक टाइप में होते हैं, पूरी बुक होते हैं जिनमें प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होगी, कौन मैन्युफैक्चरर है, कौन सेलर है, क्या प्रोडक्ट है, किस प्राइस का है, क्या है, वो सारा। बिजनेस रिप्लाई कार्ड्स, इसी तरह एक कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स पे भी हम इन्फॉर्मेशन कार्ड के थ्रू भी प्रोवाइड कर सकते हैं, पर्सनली लेटर लिखकर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लगभग ये सेम से ही होते हैं आपके सारे। ठीक है, कंपनी की अलग से स्पेशल मैगजीन होती है जिसमें कंपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है।
एनुअल रिपोर्ट तो वो होती थी, वो कंपनी हर साल प्रोवाइड करती है, उसमें इंफॉर्मेशन होती है, तो वो होगी ठीक है। अब आगे वही डायरेक्ट मेल के एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, देन फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल ईजी टॉपिक है, ठीक है, ओके, थैंक यू।